नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज किस वीडियो में लेकर हैं UPSC एग्जाम में आने वाले हिंदी के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं बता दूं आपको कि मैं अपने चैनल पर लगातार आपको हिंदी के चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं। आज किस वीडियो में हमारा चैप्टर है पर्यायवाची। इस पर्यायवाची के चैप्टर से मैं आपको 37 प्रश्न कराने वाला हूँ जो आने वाली यूपी पुलिस की परीक्षा मैं आपको देखने को मिलेंगे। मैं आप बता दूं कि मैं वही प्रश्न करा रहा हूं जो किसी ना किसी परीक्षा में ज़रूर पूछेगा, जिससे करने के बाद निश्चित ही आपको पता चल जाएगा कि ये प्रश्न किस किस परीक्षा में पूछेगा है। तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आप इस प्रैक्टिस सेट को अपने सभी अभ्यर्थी भाई बहनों तक ज़रूर पहुँचा दीजिएगा, जिससे वो भी इस प्रैक्टिस सेट को करें और उन्हें भी अपनी तैयारी का पता लग जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन, लालसा शब्द के दो पर्यायवाची हैं। तो लालसा शब्द के दो पर्यायवाची कौन सा, एक पर्यायवाची इच्छा और आकांक्षा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लहू का समानार्थी शब्द कौन सा है, तो लहू का समानार्थी शब्द कौन सा है, तो लहू का समानार्थी होगा सोड़ित। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अनि शब्द का सही पर्यायवाची बताइएगा। तो अनि शब्द का सही पर्यायवाची हो जाएगा सेना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बनीता शब्द का पर्यायवाची शब्द है। चार ऑप्शन आपके सामने है और अब बताइएगा बनीता शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा महिला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। तो पत्नी शब्द के कौन कौन से पर्यायवाची हो जाएगा ये आपको बताना हो जाएगा। तीन हो जाएंगे भार्य और प्राण प्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची है। तो कौन सा शब्द जो आकाश का पर्यायवाची है, तो व्योम जो शब्द है वो आकाश का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से कौन सा शब्द उपस्थित का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा शब्द जो उपस्थिति का पर्यायवाची नहीं है, तो तैयार जो शब्द है वो उपस्थित का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझ, इनमें से दुख का पर्यायवाची कौन सा है। तो दुख का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो दुख का पर्यायवाची नहीं होगा इसमें मोक्ष जो शब्द है वो दुख का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। यानी तीन शब्द एक से हैं जबकि चौथा शब्द अलग है, वो चौथा शब्द आपको बताना है कि वो चौथा शब्द कौन सा है। तो जो अनिल शब्द है वो अलग हो जाएगा, ये अनिल हवा का पर्यायवाची, बाकी के शब्द तीनों जो हैं वो आग के पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो तीन जो शब्द हैं वो गंगा के पर्यायवाची जबकि चौथा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो जो कालिंदी शब्द है वो गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स बताना कालिंदी शब्द है वो किसका पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंदला मैला मलिन किस शब्द के पर्यायवाची है। तो यह किस शब्द के पर्यायवाची है, तो यह पर्यायवाची है पंकिल शब्द के। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से हिरण का पर्यायवाची कौन सा है। तो हिरण का पर्यायवाची कौन सा ये आपको बताना है। तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा कंचन जो शब्द है वो हिरण्य का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो तीन जो शब्द है वो पत्थर के पर्यायवाची हैं जबकि जो चौथा शब्द है वो पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो जो ओरग शब्द है वो पत्थर का पर्यायवाची नहीं है जबकि उपल पाषाण और पहान जो शब्द है वो पत्थर के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो देवता का कौन सा पर्यायवाची नहीं है ये आपको बताना है। तो जो किंकर शब्द है वो देवता का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो तीन जो शब्द पत्थर के पर्यायवाची हैं जबकि चौथा जो शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो पहान, उपल और प्रस्तर शब्द पत्थर के पर्यायवाची हैं जबकि पसम जो शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक शब्द संकर का पर्यायवाची नहीं है, तो तीन जो शब्द वो संकर के पर्यायवाची हैं जबकि चौथा शब्द वो संकर का पर्यायवाची नहीं है। तो जो ससाधर शब्द वो संकर का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो तीन जो शब्द हैं वो सोने के पर्यायवाची जबकि चौथा शब्द वो सोने का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हिरण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो तीन जो शब्द वो समुद्र के पर्यायवाची जबकि चौथा शब्द वो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। जलादेव जो शब्द है वो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है जबकि जलनिधि, जलधि और जलधाम समुद्र के पर्यायवाची हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध यानी चार विकल्पों में से एक के सारे पर्यायवाची सही हैं जबकि चौथे तीन के गलत है, तो विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो देख लीजिए, सिंह, पंचाना, नहर और मृगरी ये शेर के पर्यायवाची हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो तीन जो शब्द वो विष्णु का पर्यायवाची है जबकि चौथा नहीं है। तो कमलासन जो शब्द है वो विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है, तीन यमुना के पर्यायवाची जबकि चौथा जो शब्द वो यमुना का पर्यायवाची नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। तो जो तनुजा शब्द वो यमुना का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तीन जो शब्द है वो नदी के पर्यायवाची है जबकि चौथा शब्द वो नदी का पर्यायवाची नहीं है। जो त्रिपद का शब्द है वो नदी का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तो किसमें पर्यायवाची सही है? जो घर, निकेतन, आयतन, नीला, इसके सारे पर्यायवाची सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची है, तो किसमें आम के पर्यायवाची है? एक आम का पर्यायवाची नहीं है, तो जो अति सौरभ, रसाल और सहकारी आम के पर्यायवाची जबकि अंबू जो आम का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है? तीन जो शब्द है वो आग के पर्यायवाची जबकि चौथा जो शब्द है वो आग का पर्यायवाची नहीं है। तो जो व्योम शब्द है वो आग का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से अरविंद शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो अरविंद किसका पर्यायवाची? तो अरविंद जो कमल का पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द कदर का पर्यायवाची नहीं है? तो कदर का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो जो विस्मय शब्द है वो कदर का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? तो नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो जो आपदा शब्द है वो नदी का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं ये आपको बताना है। तो जो अमी शब्द है वो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा शब्द वो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो जो प्लूमजा शब्द वो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वदामिनी का पर्यायवाची है, तो जो स्वदामिनी शब्द वो किसका पर्यायवाची है? तो जो स्वदामिनी शब्द वो बिजली, विद्युत का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचना शब्द के लिए कौन सा शब्द अनुचित है? तो कौन सा शब्द अनुचित है संरचना के लिए? तो ये उद्भावना जो शब्द है वो अनुचित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र का पर्यायवाची है, तो समुद्र का कौन सा पर्यायवाची ये आपको बताना है। तो जो अर्णव शब्द है वो समुद्र का पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अरण्यक शब्द का पर्यायवाची है, तो अरण्य शब्द किसका पर्यायवाची है? तो ये कांतार का पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सामने, इनमें से कोदंड का पर्यायवाची कौन सा है? तो इसमें कोदंड का पर्यायवाची है धनुष, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने, रात का पर्यायवाची शब्द है, तो रात का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा त्रियामा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।